फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूं जिसका मशीन आप सेटअप करके महीने का लाखों कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इस बिजनेस आइडिया के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज चाहिए तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी आप लोग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो का मिस कर दे। और फ्रेंड, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए, ताकि फ्रेंड जितने भी मेरे नए नए वीडियो है बिजनेस, फ्रेंचाइजी और पेट्रोल पंप के रिगार्डिंग, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के समय में आपने देखा होगा कि जितने भी लोग नए नए घर परचेस कर रहे हैं या जिनके घर पहले से हैं, तो वह अपने घर में जो है डिजाइनदार जो है फर्नीचर रखना काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा जो है इंटीरियर वर्क्स भी होता है, जहां पे आपको बहुत सारे डिजाइनदार जो है वहां पे मटेरियल आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीएनसी राउटर मशीन के बारे में पूरा ब्रीफ में बात करेंगे कि आप इस मशीन को सेटअप करके महीने का कैसे आप लाखों अर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि आज के समय में जितने भी फर्नीचर दुकान है या फर्नीचर के बहुत सारे वर्कशॉप आपको देखने को मिल जाएंगे, वहां पे किसी भी प्रकार का लकड़ी में कोई भी अगर डिजाइन करना रहा है या कोई भी नक्काशी करना रहा, तो वहां पे बहुत सारी जगह पे जो है मैन्युअली उसको किया जाता है। तो देखिए, मैन्युअल करने में क्या है कि वहां पे आपका टाइम टेकिंग ज्यादा है, इसके अलावा जो है वहां पे एक्यूरेसी जो है आपको उतना नहीं मिल पाता है। बट अगर आप सीएनसी राउटर मशीन का आप यूज करते हैं तो फ्रेंड्स, आपका जो डिजाइन रहता है वो पूरा एक्यूरेट मिलता है, और वहां पे जो टाइम कंज्यूमिंग है वो आपका बहुत ही कम रहता है। यानी कि फ्रेंड्स, वहां पे जो है आपको बहुत ही कम समय में आपको उस पर्टिकुलर लकड़ी पे यानी कि वुड पे जो है आपको डिजाइन मिल जाता है। फ्रेंड्स, यहां पे सबसे पहले आपको समझना है कि सीएनसी क्या होता है। सीएनसी का मतलब होता है कंप्यूटर नोमेनक्लेचर कंट्रोल, यानी जो मशीन कंप्यूटर के थ्रू जो है ऑपरेट हो उसी को जो है यहाँ पे सीएनसी मशीन बोलते हैं। बेसिकली जो है सीएनसी एक प्रोग्रामेबल मशीन होता है, यानी कि जिस तरह से आप उसमें प्रोग्राम फीड करेंगे उसी प्रकार से वो वर्क करेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप सीएनसी राउटर मशीन आप सेटअप करते हैं तो आप उस मशीन से किस किस मटेरियल पे आप काम कर सकते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले जो यहाँ पे मटेरियल है आपका वुड आएगा, इसके बाद प्लाईबोर्ड पे आप काम कर सकते हैं, देन इसके बाद आप एक्रिलिक वर्क भी कर सकते हैं, इसके अलावा जो है आप MDF जाली भी आप वहाँ पे बना सकते हैं। MDF का मीनिंग होता है मीडियम डेंसिटी फाइबर, ठीक है। इसके अलावा जो है आप मार्बल ग्रेनाइट पे भी काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारे मार्बल में जो है अलग अलग तरीके के जो है आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है बहुत सारे गॉड के जो है वहाँ पे आपको स्टैचू आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के जितने भी इनक्रेविंग किए जाते हैं मार्बल पे, ये सारा जो है सीएनसी राउटर मशीन के थ्रू किया जाता है। इसके अलावा जो है आपको एल्युमिनियम और स्टील पे भी जो है बहुत सारे डिज़ाइन वर्क आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जितना भी सारा वर्क होता है वुड का, चाहे एक्रेलिक का या कोरियन पे या मार्बल ग्रेनाइट पे, तो ये सारा जो काम होता है ये सीएनसी राउटर मशीन के थ्रू ही परफॉर्म किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप सीएनसी राउटर मशीन आप सेटअप करते हैं तो आप अपने मशीन से मल्टीपल मटेरियल पर जो है आप अलग अलग तरीके का डिज़ाइन बना के जो है आप मार्केट रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना होगा कि आप सीएनसी राउटर मशीन जिस लोकेशन में सेटअप करना चाहते हैं वहाँ पे आपका मार्केट पोटेंशियल कितना होगा, वहाँ पे अगर आप ये मशीन सेटअप करेंगे तो आप महीने का कितना अर्न कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने लोकेशन का जो भी नियर बाय मार्केट या एरिया बोल सकते हैं उसको सर्वे करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सीएनसी राउटर मशीन सेटअप कर रहे हैं अपने लोकेशन में तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितनी आएंगे वो आपको सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ऑर्डर नहीं आएंगे तब तक यहाँ पे आप कोई भी अर्निंग नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने लोकेशन में सर्वे करना पड़ेगा कि आपके लोकेशन में नंबर ऑफ फर्नीचर वर्कशॉप या दुकान कितने हैं। इसके अलावा जो है आपको टाइल्स, मार्बल्स, ग्रेनाइट का भी दुकान देखना पड़ेगा कि जहाँ पे मल्टीपल डिज़ाइन के जो है वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हमेशा आते रहते हैं। तो आपको वैसे जगह पे जाकर जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप ये काम करते हैं, तभी आपको वे सारे जगह से जो है आपको ऑर्डर मिलना स्टार्ट होंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे क्लेरिफाई कर दूँ कि आप जिस मशीन को सेटअप करने जा रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस मशीन को सेटअप करूँगा अब मुझे ऑटोमेटिक ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये आपका सबसे बड़ा गलतफहमी होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पे आपको बैठे बैठे जो है आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाए। सबसे पहले आपको तो मार्केटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को बताना पड़ेगा आप क्या काम करते हैं, सबसे पहले ये लोगों को बताना पड़ेगा, तभी जो है आपको उसके रिगार्डिंग आपको ऑर्डर मिलना स्टार्ट होगा। और आज के समय ऐसा है कि अगर आप सीएनसी राउटर मशीन सेटअप करेंगे डेफिनेटली आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिलेंगे और आप जो है मार्केट के ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं आपको धनबाद एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ, धनबाद में मटकुरिया बोल के एक जगह है जहाँ पे सीएनसी राउटर
मशीन लगाया गया है वुड क्रेविंग के लिए। वहाँ पे वे अपनी मशीन को 12 घंटे चलाते हैं क्योंकि वहाँ पे पर डे जो है नंबर ऑफ ऑर्डर जो है हमेशा आते रहते हैं, जबकि वो अपने ऑर्डर को पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाते हैं, उनको अपने ऑर्डर को जो है दूसरे जगह जो है रेफर करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इससे जो है आप लोग समझ सकते हैं कि आज के समय में CNC राउटर मशीन का अगर आप सेटअप करते हैं तो आपको ऑर्डर की कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि आज का जो समय है ये पूरा फुली ऑटोमेटेड का है। लोग जितने भी इंटरनेट पर डिज़ाइन देखते हैं वो चाहते हैं कि वो सेम डिज़ाइन उनके रियल लाइफ में देखने को मिले, तो ऐसा जो डिज़ाइन है आपको सिर्फ CNC राउटर मशीन ही जो है आपका फुलफिल कर सकता है। इसके अलावा आप CNC राउटर मशीन से 2D और 3D डिजाइन भी जो है आप वे सारे मटेरियल पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि अगर आपको CNC राउटर मशीन सेटअप करके बिजनेस स्टार्ट करना है तो इसके लिए मिनिमम एरिया कितना रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका मिनिमम एरिया है आपको 150 स्क्वायर फीट से लेके 250 स्क्वायर फीट आपको रिक्वायरमेंट रहेगा अगर आप CNC राउटर मशीन सेटअप करके खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से यहाँ पे लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मेनली आपको एक ही लाइसेंस आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, उद्यम रजिस्ट्रेशन का। आप उद्यम रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे लाइसेंस लेके जो है आप इस बिजनेस को रन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे GST नंबर लेना है तभी आप यहाँ पे ले, क्योंकि बहुत सारे जगह पे जो है आपको GST के साथ कोटेशन आपको सबमिट करना पड़ता है, तो उस केस में जो है आपको GST नंबर का रिक्वायरमेंट रहता है। अगर आप GST नंबर नहीं लेना चाहते तो आप मत लीजिए, बट आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो आपका 40 लाख को क्रॉस ना करे। अगर 40 लाख को क्रॉस करता है तो यहाँ पे आपका GST नंबर लेना अनिवार्य हो जाएगा। तो मेनली यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि आपको कौन कौन से लाइसेंस यहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि आपको CNC राउटर मशीन परचेस करने में जो है आपको कितना इन्वेस्टमेंट आ जाता है। फ्रेंड्स मार्केट में मिनिमम जो मशीन का प्राइस है वो 4 लाख का है, 4 लाख से स्टार्टिंग है, और जैसा जैसा आप फीचर्स ऐड करते जाइएगा उसी के हिसाब से जो है आपका प्राइस रेंज यहाँ पे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक कंपनी से कोटेशन मंगाया हूँ, तो वही कोटेशन का मैं यहाँ पे मशीन के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। बट मैं यहाँ पे कंपनी का नाम नहीं मेंशन करूँगा। अगर आप लोगों को जानना है कि CNC राउटर मशीन किस कंपनी से आपको परचेस करना चाहिए तो फ्रेंड्स इसके लिए आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा और वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए और पर्सनली मैसेज कीजिए। मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई करूँगा कि आपको CNC राउटर मशीन किस ट्रेडर से या किस सेलर से जो है आपको परचेस करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जिस मशीन के बारे में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, इसका जो प्राइस है 4,75,000 रुपया है, ठीक है, जो कि आपका 220 वोल्ट सिंगल फेज पे चलेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपको 5 किलोवाट की जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके अलावा जो है आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे दे दिया है ये सारे जो है मशीन के फीचर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको मशीन का प्राइस बताया 4,75,000। इसके अलावा जो है आपको 18% का GST पेमेंट करना पड़ेगा, देन इसके बाद आपको एडिशनल यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो आपका टोटल प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेट जो है 6 लाख तक जो है आपका चला जाता है। तो यहाँ पे आपको एक मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि अगर आप CNC राउटर मशीन यहाँ पे परचेस करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट जो है आपको 6 लाख का खर्चा आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम लोग मशीन को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करेगा। तो मैं यहाँ पे क्लेरिफाई कर दूं कि आप जिस कंपनी से मशीन परचेस करेंगे वही कंपनी वाले जो है आपको पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि आप CNC राउटर मशीन को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। आप मशीन ऑपरेट करने के लिए किसी डिप्लोमा या ITI होल्डर को भी आप अपॉइंट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि आप जो भी CNC राउटर मशीन आप सेटअप करेंगे तो आप उस CNC राउटर मशीन से जो भी वर्क परफॉर्म करेंगे तो उसका आप क्या रेट चार्ज करेंगे अपने कस्टमर से, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी मैं रेट बता रहा हूँ ये मैं अपने एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता है बिहार में अलग हो, वेस्ट बंगाल में अलग हो, UP में अलग हो, पंजाब में अलग हो, आसाम में अलग हो, महाराष्ट्र में अलग हो, ये हो सकता है कि आपके एरिया के हिसाब से जो मैं रेट बोल रहा हूँ वो वेरी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे दो तरह से काम किया जाता है। सबसे पहला यहाँ पे जो है आप स्क्वायर फीट के हिसाब से आप चार्ज कर सकते हैं। तो मार्केट में जो रेट है अभी 40 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 150 रुपये स्क्वायर फीट तक जो है रेट चल रहा है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास में किस प्रकार का काम आया हुआ है। इसके बाद जो दूसरा आपका यहाँ पे चार्ज है, आप यहाँ पर आवर भी चार्ज कर सकते हैं, बट वहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपको काम क्या आया हुआ है। अगर आपको MDF जाली बनाने का काम आया हुआ है तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आप पर आवर भी चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेनली आपको देखना है कि आप दिन में कितने स्क्वायर फीट का काम करते हैं, इसी के हिसाब से जो है आपका यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो मैं आपको बता दूं कि सपोज़ कि आपके पास में कोई कस्टमर आता है 7x3 का कोई डोर लेके आता है जिसपे आपको वुड क्रेविंग करना है, तो वहाँ पे आपको 60 से 80 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको वहाँ पर रेट चार्ज करना पड़ेगा।
तो 7x3 का अगर डोर है आपके पास में तो उसका जो स्क्वायर फीट है 21 स्क्वायर फीट हुआ, तो अगर आप 80 से उसको इंटू करते हैं तो यहाँ पे जो आपका टोटल अमाउंट है 1680 रुपये जो है आपको यहाँ पे इन क्रेविंग का कस्टमर आपको यहाँ पे पेड करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे समझ सकते हैं आपके पास में पूरा 10 घंटा 12 घंटा भी है, तो आप 12 घंटे में अगर इस प्रकार के काम करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो एवरेज अर्निंग है वो आपका 8000 रुपया पर डे के हिसाब से होने वाला है। बट स्टार्टिंग में आपका 8000 पर डे नहीं होगा, क्योंकि आपको शुरू में लोगों को बताना पड़ेगा कि आप सीएनसी राउटर मशीन का काम करते हैं। जब तक लोग आपको जानेंगे नहीं तब तक आपको ऑर्डर मिलेगा नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर इनिशियल 3 मंथ्स का अगर मैं पर डे का एवरेज 5000 रुपया भी यहाँ पे कंसिडर करता तो आपका 1.5 लाख रुपया यहाँ पे पर मंथ का इनकम होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे आपका खर्च क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस की बात करें तो सबसे पहले जो एक्सपेंस है, आप जो भी स्पेस एरिया लेंगे 150 स्क्वायर फीट से लेकर 250 स्क्वायर फीट का, तो उसका आपको रेंट देने में जाएगा। तो यहाँ पे जो रेंट है आपका 10, 15, 20 तक भी हो सकता है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने किस लोकेशन में एरिया लिया है, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। मैंने ऐसे यहाँ पे जो रेंट है 10000 रुपये कंसिडर किया है। इसके बाद जो आपका दूसरा एक्सपेंस है, मैंने बोला कि आपको सीएनसी राउटर मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक आपको टेक्निकल बंदा हायर करना पड़ेगा, जिसको आपको 10 से 12000 रुपये यहाँ पे पर मंथ आपको देना पड़ेगा। हो सकता है 15000 भी पर मंथ आपको देना पड़े, तो यहाँ पे मैं 15000 का फिगर काउंट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो आपका तीसरा खर्च है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी आपको आने वाला है। महीने का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है यहाँ पे 5 से 6000 रुपये आपका आने वाला है। और मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि जो भी मैं आपको मशीन के बारे में बता रहा था, तो अगर आप उस मशीन को 12 घंटा चलाते हैं तभी यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है 5 से 6000 रुपये आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आप मिसलेनियस खर्च जो है 5000 का यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप टोटल मंथली एक्सपेंस को अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो मंथली एक्सपेंस है 35000 का आने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप महीने में 1.5 लाख भी अर्न कर रहे हैं तो उससे अगर आप एक्सपेंस माइनस भी करेंगे तो आपका यहाँ पे 1,15,000 रुपये पर मंथ आपका सेव होने वाला है। फ्रेंड्स मैं आपका ये जो प्रॉफिट आपको दिखा रहा हूँ, मैंने इनिशियल 3 मंथ्स का मैंने कंसिडर किया है, क्योंकि जैसे जैसे आप मार्केट में अपने आप को प्रमोट करेंगे वैसे वैसे आपको नंबर ऑफ ऑर्डर जो है आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। एक समय ऐसा भी आएगा कि मार्केट का ऑर्डर को आप फुलफिल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स उस समय में आपको बल्क ऑर्डर आने लगेंगे, आपको नंबर ऑफ मशीन जो है आपको बढ़ाने पड़ेंगे। ऐसा मैंने देखा है, इसलिए मैं आप लोग बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि मैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको एक अच्छे बिजनेस आइडिया के बारे में आप लोगों को बता पाया। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स अगर आप लोग लाइक करते तो हम लोग को भी मोटिवेशन बढ़ता है, और आप लोगों के लिए नए नए बिजनेस आइडिया पे वीडियो में हमेशा लेके आते रहता हूँ। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।